ᱚᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱷᱤᱞᱟᱲᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱫᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱮᱞᱳᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱮᱞᱳᱰ ᱨᱮ 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 ᱱ
था मनोज किस्कुवा मनोज मरंडिया पंचाव का जिसेना पुनिया पंचाव उना एकदम है को चलिए लालू अति जीवी रण टीम रे कहते आज भी लालू का बिखरा सोट वाह आज नुकाल का मनोज मरंडिया नुआ दबदबा मैदानी जंग में कोई पंचाव ने उना रे प्रेशर विपक्षी टीम यानी नीम बगान जितान रे साफ लिया जिसके चलते टीम ने कैप्टन लालू कूद मोहन सोने नोडे भाई गुंडारी का इतना से थे कि तब तोड़ थे और मुझे लगता है यहाँ लालू का जो चाल ये बताता है कि ये निश्चित रूप से बहुत ज्यादा निराश अपने उस परफॉर्मेंस से निश्चित रूप से यहाँ अपने टीम को एक मुश्किल परिस्थिति में डाला है और अभी भी इस मुकाबले में उभरने के लिए समय है इस समय सेकंड शॉट लाल मिटिया की ओर से राजेंद्र शॉट लगाया लेकिन बहुत सुंदर क्लिनिकल फिनिश और एफसी लाल मिटिया गोड्डा दो में दो गोल अभी तक हो चुका है अब नीम बगान के अभी जो चार खिलाड़ी शेष रह गए हैं उसके ऊपर अब बड़ा जिम्मेदारी आ गया क्योंकि पहला शॉट मिस हो गया है एकदम ची हूं मैं दिखाओ कहा मीट के गेम मिस अलम में ना इन टूर्नामेंट को नहीं बाहर ही करना ना कहा तो मांग करा एफसी दुमका लगा ची हूं मैं दिखाओ कहा मीट के गोल कभी भी गोलकीपर रुका हुआ नहीं बराबर कर रखना जहां तक इन गेम का बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट अगर पहन खाए बकरा इमान बकरा रहे मुया कैसे मुया बहुत ही और गोल की वगैरह वगैरह जो तो ठीक स्ट्रांग है जी हां मनोज और यहां पर सेकंड शॉट के लिए नीम बगा दुमका की ओर से पकड़ा है हां शॉट के लिए अब देखना है अपनी टीम के लिए अंक बटोरने के लिए यहां से चांस मिलता हुआ देखें ये शॉट कैसे होगा और ये शॉट और जमीन से लगती भी लेकिन तेज हिट था मतलब और इस वजह से यहां पर गोल हो चुकी है और यहां पर इस मुकाबले में दो एक का यहाँ पर लीड है येलो कलर की जर्सी पहने हुए टीम के पक्ष में नेहोरी तो होया तीनों दर जनरल भैया को बिना प्यास से भोले दिया थोड़ा पे ध्यान आप एक बार जगह में जनरल भैया को परोक्ष चबाओ कर ना पर्दा भी आपका मान मर्यादा करा ना उल्लंघन चबाओ का जनरल भैया को आप पहले सावधान रह प्यास को ना पर्दा को चाहे उनकी तरफ पे कटा को अलग तीसरा शॉट अरे दूर बेहतरीन नोडे है सात नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी नोडे है भूल का लाल टुडू और सब्स्टिट्यूट रिप्रेजेंट भी ज्यादा मनोहर है उन्हें है बोलो ना और नमा ये के नोडे तीन रन तीन गोल हुई करप एफसी ललबटिया अभी नीम बगान की टीम भी मैच में वापसी करने के लिए दूसरे स्थान पर खिलाड़ी आ रहा है शॉट के लिए और देखना है
क्या योगदान दोनों की इस शॉट की मार्क को समझ पाते हैं और देखता है यहां से जर्सी नंबर 11 पहने हुए खिलाड़ी जो कि वो भी दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूट में फील्ड के अंदर संदीप सोनन आए थे। अब देखना है संदीप का शॉट कितना ज्यादा असरदार होगा। येलो बॉल नोडे चेक करना शॉट निम्बगान दुक्का इस मुकाबले से इस सेमीफाइनल के जीत से कहीं दूर ले गया ये शॉट। मुझे लगता है निम्बगान की टीम के पक्ष से ये मैच धीरे धीरे निकलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल तुषार आर बी कप्तान खान टीम के कप्तान रफाई फाइनल में अगर हरा खान खान 125,000 का मना अरे जीतकरों का 1,51,000 सेकेंड पर आजा पढ़ा लगा था 1,25,000 में वो शॉट करा था फायदा चला था बाबा दी वाह। लेकिन वो 25,000 का पोलियो पासपोर्ट है डलाव से पाया डलाव है एटीएम वो वो और भी बांध हुई ना गलत पासपोर्ट रॉन्ग पासपोर्ट एकदम बीन मार ठीक ही भरावटा मगर पासपोर्ट का से दबाव है वाह। और मुझे लगता है इससे बड़ा मौका ललमटिया की टीम को हो ही नहीं सकता। और यहां से निम्बगान की टीम के लिए मैच वापसी करने के लिए एक अच्छा मौका चौथा शॉट को गोल डालना होगा और गोल के अंतर ज्यादा नहीं है फिर भी सेमीफाइनल की जो अहमियत की वजह से मैं समझता हूं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था फाइनल में जाने के लिए। और और मनोज इतने शानदार शॉट और गोल की निहायत जरूरत भी था। और यहाँ पर 4-2 गोल निम्बगान दुमका और 4-3 गोल। खैर अभी भी इस मुकाबले में ये भी एक डबल ये मौका था और यहाँ से अगर दीपक अगर गोल डालते हैं तो यहाँ से भी जीत सुनिश्चित हो सकती है। मनोज दीपक फाइनल में सेकंडरी हुआ रफाल हो सेकंडरी को की गया मेंटा रोनाल्ड सी सारे आखिरी उन्होंने पूरे गाड़ी आकर सभा दीपक का प्रभाव क्या ये गोल लगेगा। चलिए दीपक आम लाल मटियर टीम दीपक चला में वाह से उन्होंने लीजा कहना मुश्किल किया लेकिन उन्होंने लक्ष्यों पर वो टप टप वाह वो बाबा जी इस बीच और इस मैच में लगातार दो मौके को गवाना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। 5-5 में ही जीत सकते थे लेकिन लगातार 3 गोल
यहां पर अपना कलर में जैसे चले गए एप्सिलॉन का बड़ा और फाइनल में जाने के लिए जो एक भी चांस मिला था उनको दबा दिया है और मैच वापसी करने के लिए तीन लगन संख्या के टीम के खिलाड़ी को ये गोल दागना जरूरी है और अगर गोल दाग देते हैं तो सेकंड मैच में मुकाबला चला जाएगा जितना इंपॉर्टेंट शॉट लालमटिया का था उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नीम बगान के दृष्टिकोण से इस खिलाड़ी का शॉट है और देखना है ये खिलाड़ी क्या गोल दाग पाते हैं नहीं जर्सी नंबर 6 पहने हुए खिलाड़ी इस बार पांचवें स्थान पर अजय किसको नेलबुन शॉट आए बड़ी महत्वपूर्ण शॉट और ये भी ये गोल और इस तरह से पांच पांच में तीन तीन गोल दो दो मिस हुआ दोनों तरफ से इस वजह से मुकाबला से देख में चला जाएगा पसंद हुई होगा मनोज अभी हो लक्ष्मी बिता दे अगर लेट के उड़े काम हो बिल्कुल बिल्कुल नोटा संगे मार मार बोला थी जरूर वो मुझे उनका जिन्हें बिता होगा यार वही नेट आर वाला सब हुई कि ना वाह खाई एकदम इन खुले दिन कोई किन दिखेगा एकदम खतरे से खाली नहीं है यार तो मैं हो रहे बपार बुटे मिस और ना बपार बुटे मिस हो बाजी घर तुम्हें तुम लिखा नोड़े को वापस को भेज करा निम भगान पूटा वाह चले ये तो बना होटल बराबरी टीम ना जर्सी नंबर 15 दुई खिलाड़ी थे बोली बुलाओ कब है ना 1051 में ग्राउंड गोल में लेकिन मौका भाई नाम लगा तुम काम तैयार नोड़े ओपनर टीम रनिंग निरापत्ति ने अपने ना तो विराट कोहली के नाइट का इंडियन क्रिकेटर टीम ने विराट कोहली मीडियम दमदार खिलाड़ी के नाइट उनका लगा कि हम मेंबर या कना एफसी लाल मटिया रियल में खिलाड़ी आप मुझे संग में अपने खिलाड़ी आए कना वाह चलिए लच्छू भाई अच्छी जाओ ऊपर पर परिवर्तन के तौर में उन्होंने बढ़िया बॉल उन्होंने ब्लॉक किया ऐसे में पहला सरनेट या पहला मौका एफसी रन किया और देखो चला गोल जबरदस्त गोल वाह नीट हो मौका मिला जितने रन लगे एफसी रन किया बसरते मैं मनोज बना दिया अगर उन्होंने हीरो एक बना काम वाह लेकिन पतरा हो मेंदर उपेंद्र इन रुकावा इन रुकावा लेकिन रुकावा दर ऐसे मार रुकावा दर यहाँ बहुत बड़ी चैलेंज हुआ निम बगान तुमका रन सुपर बोल तुषार जी आइए मनोज दा ये एक बहुत बड़ा एक कॉल हो सकता है मैं समझता हूँ और अनुभव रखते हैं संभवतः यहाँ पर थोड़ा सा विपिन भी वहां पर जाकर के उनको कुछ सलाह देते हुए और संभवतः यहाँ लगातार ये चेंजिंग के लिए वहां पर रेफर किया है और विपिन सोरेन इस बार एक टीम की उम्मीद लिए हुए इतने सारे प्रशंसकों की उम्मीद लिए हुए एफसी ललमटिया की टीम का कमान संभाले हुए इस कमान को देख रहा है कि आपने टीम को यहाँ से फाइनलिस्ट बना डाले क्या योगदान होगा यहाँ से नहीं मगर दुमका के खिलाड़ी इस बार शॉट लिया थे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट प्राइवेट में भी इतना रोचक होगा किसी ने कल्पना नहीं किया था मेरे ख्याल से और मैंने पहले ही कहा आपके बाद पूरी तरह से सवा सोलह आना सच था कि कोई भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा और चंदन कुमार को शॉट के लिए आया है इस बार